दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर जुबानी जंग तेज होती जा रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बॉडी डबल का इस्तेमाल किए जाने का बयान दिया है। शर्मा ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि ये काफी हैरानी भरा है कि राहुल गांधी के हम शक्ल का इस्तेमाल हो रहा है। शर्मा ने कहा कि बस के बाहर राहुल गांधी खुद नहीं आते हैं बल्कि अपने बॉडी डबल का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि इंडिया टुडे नॉर्थ ईस्ट ने ट्वीट करके बताया है कि बस में सामने जो राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं वह असली राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी अंदर में 8 लोगों के बैठने वाले कमरे में रहते हैं। असम सीएम का यह बयान सुर्खियों में आ गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा के बीच तीखी नोकझोंक जारी है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के असम में प्रवेश करने पर असम के मुख्यमंत्री को पहले सर्वाधिक भ्रष्ट सीएम बताया था। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि वह भ्रष्ट नहीं बल्कि दूसरी बीजेपी चीफ मिनिस्टर को भ्रष्ट बना रहे हैं। इसके बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई थी। दोस्तों, क्या कुछ कहा है हेमंत बिस्वा सरमा ने, आप भी देखिए उनके वायरल वीडियो में। और एक असम में बहुत बड़ा प्रश्न भी खड़ा कर दिया है इंडिया टुडे एनी ने कि वो बॉडी डबल यूज किया था बास में। मतलब बास का सामने जो राहुल गांधी को दिखाई देते हैं वो राहुल नहीं होता है। राहुल अंदर में 8 लोगों को बैठने का एक उनका कमरा है, वो कमरा में बैठता है, बाहर ही यूज ए बॉडी डबल। दैट इज द क्वेश्चन ए सैनल हैज पोस्ट इंडिया टुडे एनी, इज राहुल गांधी बॉडी डबल पार्ट ऑफ भारत जोड़ो यात्रा। आप देखो, ये सामने जो लोग बैठा है उसको राहुल गांधी नहीं लगते, दूर से राहुल गांधी लगते क्या? मैंने तो देखा नहीं हूं, बट आप ये ट्वीट देख लीजिए। नहीं, मैंने मुझको कांग्रेस का लोग इतना ही बताया कि अंदर में 8 लोग बैठने का बास में बहुत ज्यादा स्पेशल जगह है, ज्यादातर समय वही रहता है। तो बास का सामने कौन रहता है जो लोगों को आप लोग फोटो खींचता है राहुल राहुल बोल के? तो ये इंडिया टुडे एनी हैज ट्वीटेड कि इज राहुल गांधी बॉडी डबल पार्ट ऑफ भारत जोड़ो यात्रा। ये तो एक इश्यू हो गया। और फोन दिखा।